Good morning, everyone. It's your English class, and today we are going to study our next chapter, chapter number 25, synonyms and antonyms. So let's study the first point, A point, synonyms. Synonyms क्या होते हैं? यानी कि इनको हिंदी में बोलते हैं समानार्थक शब्द. तो words having the same or nearly the same meaning are called synonyms. यानी कि ऐसे words इनका nearly या same meaning हो, उनको हम synonyms बोलते हैं. There are no true synonyms in English language. All words have slightly different meanings. We should be aware of the shades of difference in meanings of synonyms. तो English में कोई भी word एक दूसरे word का synonym true synonym नहीं है. उनमें कुछ ना कुछ degree का difference होता है, but फिर भी उनका almost meaning same है, तो इनको हम उनके synonyms बोलते हैं. B point, some words and their synonyms are given below. कुछ synonyms दिए गए हैं और उनको हमने स्टडी करना है. फर्स्ट वर्ड एडमिट मींस कन्फेस, यानी कि स्वीकार करना. अलाउ मींस परमिट, यानी कि किसी को किसी काम करने की अनुमति देना, परमिशन देना. एंशियंट मींस ओल्ड, प्राचीन होना. प्राचीन कोई चीज को बोल सकते हैं एंशियंट या ओल्ड. एंगर एंड दैट इज फरी एंड रैथ को बोलते हैं, यानी कि गुस्सा बोलते हैं. तीनों का वर्ड मीनिंग क्या होता है? गुस्सा होता है, क्रोध होता है. बिगिन मींस स्टार्ट और कमेंस. Brief means concise, यानी कि short करना, brief करना, संक्षिप्त करना. Build means construct, यानी कि बनाना, मकान इत्यादि बनाना. Coarse means rough, यानी कि खुरदरा होना. Danger means peril, means खतरा. Decrease means reduce or lessen, यानी कि कम करना. Depend and rely means किसी पे निर्भर होना. Disappointment and despair, निराशा, बोल सकते हैं निराशा. Difficult, hard means tough, यानी कि कोई चीज मुश्किल होना. Do means act, perform, यानी कि करना. Enemy means दुश्मन, means foe. Excess means surplus, means किसी चीज का अधिकता होना, किसी चीज की कोई चीज ज्यादा होना. Faithful means loyal, means वफादार. Next, famous, renowned, eminent, that is प्रसिद्ध. नेक्स्ट इज फटीग, टायर्डनेस, थकावट. फोर्स मीन्स कंपेल, किसी को मजबूर करना. फॉरगिव मीन्स पार्डन, किसी को माफ करना. ग्लो मीन्स शाइन, ग्लिसन चमकना. नेक्स्ट इज हेट, डिस्पेस एंड डिटेस्ट, स्कोन. इट मीन्स किसी से नफरत करना. हैप्पीनेस मीन्स जॉय, डिलाइट, खुशी एंड मर्थ ऑल्सो. नेक्स्ट हेल्प, एड, असिस्टेंस, यानी किसी की सहायता करना. हाइड मीन्स कंसील एंड ओनर और प्रेस्टीज मीन्स सम्मान. मिजरली एंड स्टिंगी, कंजूस, मिस्टेक, एरर, गलती. नाइस, डिसेंट, बहुत अच्छा. पेन, अगोनी, यानी कि दर्द. नेक्स्ट precious, valuable, मूल्यवान. repent means regret, यानी कि पछतावा करना. respect means esteem, यानी कि आदर करना. rich means wealthy, यानी कि अमीर. next is rude means insolent, यानी कि अभद्र होना. scold means rebuke, chide means डांटना. silent means quiet, means शांत या चुप. sorrow means grief, means दुख. Stationary means still, motionless, यानी कि स्थिर, बिना हिले डुले. Next is stubborn and obstinate, that is जिद्दी, हठी हम बोल सकते हैं. Next is sufficient, adequate and enough, that is पर्याप्त, suitable, appropriate, सही. So these were the synonyms. Some more words are written here. Teach means instruct, किसी को पढ़ाना, समझाना. Useful, beneficial, advantageous, यानी कि लाभप्रद, फायदेमंद. Wander and roam means घूमना, इधर उधर घूमना. Wish, desire, इच्छा करना. Wonderful, marvelous, शानदार. Worry, anxiety, चिंता. Zeal, enthusiasm, जोश, उत्साह. So on the behalf of this understanding, you have to do these three exercise. Now let's come on the antonyms. Antonyms, words
विद अपोजिट मीनिंग्स आर कॉल्ड एंटोनिम्स. ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग अपोजिट हो, उससे बिल्कुल उल्टा हो, तो उनको हम एंटोनिम्स बोलते हैं उनके. जैसे अब्सेंस प्रेजेंस. अब एब्सेंस मीन्स किसी की अनुपस्थिति, प्रेजेंस मीन्स किसी की उपस्थिति, किसी का होना. एक्सेप्ट रिजेक्ट. एब्सेक्ट मीन्स सॉरी एक्सेप्ट मीन्स किसी को स्वीकार करना, रिजेक्ट मीन्स किसी को अस्वीकार करना. एडमायर किसी की तारीफ करना, मो किसी की हंसी उड़ाना. एडमिट किसी को स्वीकार करना, डिनाई मीन्स किसी को इनकार करना. एडवर्सिटी मुसीबत, प्रोस्पेरिटी समृद्धि. अराइवल किसी का आना, डिपार्चर किसी का जाना. नेक्स्ट अटैक मीन्स हमला करना, एंड डिफेंड मीन्स रक्षा करना. नेक्स्ट अट्रैक्ट मीन्स किसी को अपनी तरफ खींचना, एंड रिपेल मीन्स किसी को अपनी तरफ ना खींचना. ऑकवर्ड एंड बेढंगा सा, बुरा सा, गंदा सा. ग्रेसफुल मनोहरक, जिसको मन को जो अच्छा लगे. बिगिन शुरू करना, स्टार्ट करना. एंड फिनिश खत्म करना. बोल्ड साहसी, नीडर. टिमिड डरफोक. बोरो कुछ उधार लेना, लैंड कुछ उधार देना. बिजी व्यस्त होना, आइडल निकम्मा बैठना. केयर ध्यान रखना, किसी की देखभाल करना. निग्लेक्ट मीन्स किसी का ख्याल ना रखना. कोर्स खुरदरा, स्मूथ बिल्कुल सॉफ्ट. क्लेक्ट इकट्ठा करना, एंड स्कैटर बिखेरना. कंप्लीटली पूरी तरह, पार्टली और पार्शली, आंशिक रूप से थोड़ा बहुत. नेक्स्ट कंसील छुपाना, रिवील उजागर करना. क्रिएट बनाना, डिस्ट्रॉय उसको बर्बाद करना. क्रूल निर्दयी, एंड काइंड जेंटल दयालु. डिफर अंतर होना, किसी बात को ना मानना. एग्री किसी बात पे सहमत होना. नेक्स्ट वर्ड नंबर 22, एनमिटी दुश्मनी, फ्रेंडशिप दोस्ती. एंट्रेंस किसी प्रवेश द्वार, या प्रवेश हम बोल सकते हैं. एग्जिट निकास. एक्सपेंड किसी को बढ़ाना, एंड कॉन्ट्रैक्ट किसी को सिकोड़ना, सिकोड़ना बोल सकते हैं. फैमिलियर कोई परिचित हो, स्ट्रेंज कोई परिचित ना हो. फर्टाइल उपजाऊ, एम्पेरन बंजर. फर्स्ट पहला, लास्ट आखिरी. फॉलो किसी को अनुसरण करना, किसी का अनुसरण करना. लीड किसी को नेतृत्व करना. ग्लूमी उदासी से भरा हुआ. चीयरफुल खुशी से भरा हुआ. गिल्टी कसूरवार. इनोसेंट दैट इज बेकसूर. हेस्ट जल्दबाजी करना. डिले लेट करना. होप आशा करना. डिस्पेयर निराश होना. हम्बल विनम्र. वेन एंड प्राउड घमंडी. नाउ वी हैव कम ऑन द वर्ड नंबर 34. काइंडनेस दयालुता. क्रूलिटी दुष्टता, दुष्टता. नॉलेज ज्ञान. इग्नोरेंस अज्ञानता. मेजर मुख्य, माइनर मामूली. नेचुरल प्राकृतिक, आर्टिफिशियल बनावटी. ऑप्टिमिस्ट आशावादी, पेसिमिस्ट निराशावादी. ओरल मौखिक, रिटन लिखित. ऑर्डिनरी साधारण, स्पेशल विशेष. पार्ट हिस्सा, होल पूर्णतः. पीस शांति, वार युद्ध. प्लीज खुश करना. अनोय ऑफेंड किसी को परेशान करना, किसी को तंग करना. पुअर गरीब, वेल्दी अमीर. प्रॉफिट लाभ, लॉस नुकसान या घाटा. प्रोहिबिट मनाही. परमिट यानी कि उसको करने की परमिशन. प्राइवेट निजी, पब्लिक सार्वजनिक. पनिशमेंट सजा, रिवार्ड इनाम. रेज उठाना, लोअर नीचे करना. सीवर गंभीर, मिल्ड मामूली. सिंक डूबना, फ्लोट तैरना. स्माइल मुस्कुराना. फ्रोन गुस्सा करना. स्ट्रिक्ट सख्त. लीनियंट बहुत ही विनम्र. सुपीरियर बहुत ही अच्छा. इंफीरियर बहुत ही घटिया. नेक्स्ट सपोर्ट किसी को सहारा देना. अपोज किसी का विरोध करना. स्विफ्ट तेजी से या तेज. स्लो धीरे. टीच पढ़ाना. लर्न पढ़ना. टेम्परेरी जो अस्थाई हो. परमानेंट जो स्थाई हो. अर्बन शहरी. रूरल ग्रामीण. वर्च्यू सद्गुण अच्छे गुण. वाइज अवगुण. राइट,
So these were the antonyms. Using prefix to form antonyms. Antonyms can also be performed by using prefixes like un, in, im, il, ir, dis, and mis. Look at the following examples. So in hum prefixes ko add karke bhi kisi words ko hum uska antonyms bana sakte hain. Jaise un add karne se hum unsuitable bana sakte hain, unnecessary bana sakte hain. In add karne se incomplete ya independent. Im add karne se immoral and impatient. Il add karne se illegal. So we can add these words and we can make the antonyms. IRC irrelevant, DISA disconnect, disobey, MISA misbehave, misguide. So on the understanding of on the behalf of this understanding, you have to do these exercise number 4, 5th and 6th. Okay, it's enough for today. Rest of things we will discuss in the next class. Till then, see you, bye bye.